नमस्कार। आज नगरपालिका चुनावों को लेकर दोनों अपने पार्षदों के लिए व चेयरमैन के लिए आज जेजेपी के बड़े नेता दिग्विजय सिंह चौटाला, उनके साथ देवेंद्र काद्यान ने अशोक गुप्ता के लिए, विपिन छाबड़ा व नीतू छाबड़ा के लिए वोटों की वो अपील करी। उनका रेलवे रोड से लेकर बस स्टैंड तक भव्य स्वागत किया गया और काफ़ी संख्या में जनसमूह उनके साथ रहा और जगह जगह कार्यकर्ताओं द्वारा उनका मान सम्मान भी किया गया। आप देख रहे हो टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज़ चैनल के साथ धर्मेंद्र योगी। पल पल की अपडेट के साथ जुड़े रहे। इसलिए कह रहा हूं, आपने गर्ग साहब को पहले भी दो बार अजमा करके देखा है, नरम गुप्ता जी को दो बार अजमा करके देखा है, नरम स्वभाव के धनी, सबको साथ लेकर के चलने वाले, दो बार चेयरमैन रहते हुए भी कोई आरोप इन पर नहीं है, इस बात से सहमत हो के नहीं आ जाते। वहीं दूसरी भूपेंद्र हुड्डा जी की बेईमानी राज्यसभा चुनाव में थी, ऐसी बेईमानी, वो जो एक वोट खराब किया वो सुनने में आया कि समालखा के विधायक ने किया था, ऐसे ही उनके कैंडिडेट हैं, तो दूसरी तरफ सरकार में सांझा डालने का मौका आज समालखा शहर के व्यापारी भाइयों को मिला है। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं, दुष्यंत चौटाला जी की तरफ से, उप मुख्यमंत्री की तरफ से आपको मैं आश्वस्त कर करके जा रहा हूँ कि व्यापारी भाइयों को समालखा शहर में कोई किसी तरह की तकलीफ नहीं आने देंगे। वार्ड 11 से जी, वार्ड 11 से भी नीतू छाबड़ा जी के लिए पीछे 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 धूप पड़ रही है, छाता मिल जाए और भाई कहीं एसी चलता हो तो उसके अंदर बैठने का मौका। आप आए, आप कब आए, बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।